Assalamualaikum viewers, I hope you all are doing well. सबका रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा होगा क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। आज हम बनाएंगे रमज़ान में सबसे ज़्यादा बनने वाली और सबकी फेवरेट क्रीम चाट इस तरीके से कि क्रीम चाट अपना कलर चेंज ना करे। तो इसके लिए सबसे पहले हम फ्रूट्स ले लेते हैं। जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों उन्हें डाइस कट कर लें। मैंने स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, एप्पल, बनाना, मेलन लिया है, साथ गावा लिया है। अब इन फ्रूट्स को मिक्स करने के लिए मैंने मिल्क पैक क्रीम ली है, क्वांटिटी हाफ कप है इसकी। इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मायनीज ऐड करूंगी। एक से 1.5 चम्मच शुगर इसी में डाल दूंगी, पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ी सी ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर अच्छी तरह मिक्स हो जानी चाहिए इसमें। कुछ देर के लिए इसे रख लेंगे ताकि शुगर मिक्स हो जाए। उसके बाद एक बॉल में फ्रूट्स डाल लें। कितने प्यारे फ्रूट्स लग रहे हैं, इतने कलरफुल। उसके बाद मैंने इसमें जो हमने बैटर रेडी किया था वो ऐड कर दिया। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। क्रीम चाट आप सिर्फ क्रीम में भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें मायनीज ऐड करने का बेनिफिट ये होता है कि इससे हमारा जो फ्रूट है वो ब्लैक नहीं होता, चाहे जितनी देर भी पड़ा रहे। और एप्पल और बनाना अक्सर अपना कलर चेंज कर लेते हैं। अगर आपने कुछ देर पहले से ये कटिंग्स करके रखनी है फ्रूट्स की, तो आप उनको हल्की सी मायोनीज लगा दें, उससे ब्लैक नहीं होगा बिल्कुल भी। हमारी इजी पीजी और टेस्टीस्ट क्रीम चाट बिल्कुल रेडी है। इन फ्रूट्स के अलावा आप इसमें बादाम, फ्रूट कॉकटेल और खजूर भी यूज़ कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए भी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ली थी,